हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो नीट 1.0। तो जैसे कि सबको पता है, हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज जो लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वो आज लास्ट लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंजाई, लेकिन एनिमल और प्लांट किंगडम को मैं इस चैप्टर से पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया उसके बारे में। और नॉर्मली अगर हम डिफरेंस देखें तो दोनों मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं। एक डिफरेंस और आ जाता है कि प्लांट में सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज की होती है, और एनिमल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। और वो दोनों किंगडम वाले जो चैप्टर है, मैं पहले इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है वायरस। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद एक दो टॉपिक और हैं, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, लाइकेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वायरस जब हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले एक ही चीज आती है कि वायरस को हम कैसे देखें, मतलब ये लिविंग है नॉन लिविंग है। अगर लिविंग है तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसको जगह क्यों नहीं मिली है? मतलब आरएच विटेकर ने इसका कोई भी जिक्र नहीं किया, वायरस का, वायरोइड्स का, लाइकेंस का, प्रायोन्स का। तो वायरस को हम नॉर्मली असेल्यूलर, मतलब बिना सेल का मानते हैं वायरस को। तो वायरस जो वर्ड है ना, उसका मतलब क्या होता है? पॉइजन या वेनम? क्या होता है वायरस का मतलब? वायरस का मतलब होता है पॉइजन या वेनम। अब इसको असेल्यूलर मानते हैं और इसको ना दोनों ही कैटेगरी में रखते हैं। ये नॉन लिविंग वैसे हम मानते हैं इसको, लेकिन लिविंग कैसे मानते हैं? नॉन लिविंग तो अगर ये, जैसे कोई होस्ट अगर इसको मिल गया तो उसकी बॉडी में ये चला गया, वहां ये लिविंग की तरह काम करेगा। और अगर इसको कोई होस्ट नहीं मिला है तो ये नॉर्मली नॉन लिविंग होता है। ये होती है वायरस की छोटी सी स्टोरी, और इसके थ्रू बहुत सारे, जैसे आपने फ्लू वगैरह सुना है, ये सब ये डिसीज कॉज करता है इस तरीके की। तो हम धीरे धीरे इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो इवोनियो बख्शी जो थे, उन्होंने 1892 में एक मतलब एक ऑर्गेनिज्म लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि वायरस से छोटा था। और इसको क्या बताया इन्होंने, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म था, टोबैको मोजैक डिजीज जो होती है ना, TMV वायरस, इन्होंने ये लिया था। मतलब ऐसा हुआ था कि ये प्लांटेशन हो रही थी टोबैको की, इसमें डिजीज आई। जब इन्होंने इसको चेक किया तो इन्होंने देखा कि कोई वायरस है जो बहुत छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, और उसको उन्होंने नाम दिया वायरस। इस तरीके से इसका नाम पड़ा वायरस, क्योंकि वायरस का मतलब क्या होता है? वेनम या फिर पॉइजन। अब वेजरेनिक ने क्या किया था 1898 में, इन्होंने क्या बोला था कि ये जो डिसीज प्लांट थे ना, इनमें से फ्लूड एक्सट्रैक्ट किया। अब एक्सट्रैक्ट करने पर इन्होंने क्या किया कि ये जो फ्लूड है ना, ये क्या कर रहा है? इन्फेक्शन फैला रहा है हेल्दी प्लांट्स में भी। मतलब इन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट से क्या किया कि इस फ्लूइड को निकाला, और इन्होंने टेस्ट करके देखा फिर, और इन्होंने देखा कि जो फ्लूइड है ना, वो लिविंग फ्लूइड है, जो कि हेल्दी प्लांट्स में भी डिसीज फैला रहा है, मतलब इन्फेक्शन फैला रहा है। और इस टर्म को जो इन्होंने यूज किया था इस चीज के लिए, वो किया था कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या किया था? कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम वेजरेनिक ने किया था ये टर्म यूज, कि इन्होंने जो फ्लूड लिया था इन्फेक्टेड प्लांट से, वो क्या कर रहा था? हेल्दी प्लांट्स में भी फैला रहा था, डिसीज फैला रहा था। तो ये जो इन्फेक्टेड प्लांट से लिया फ्लूड और फिर इन्होंने इंजेक्ट किया हेल्दी प्लांट्स में, तो ये जो डिसीज फैला रहा था वहां पे, तो क्या बोला था कि जो फ्लूड उसमें से निकला है वो कैसा है? कॉन्टाजियस है, मतलब इन्फेक्शियस है वो जो फ्लूड है। तो इसको टर्म दिया था इन्होंने कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम। अब एक और आए, बायोलॉजिस्ट बोल सकते हैं इनको, तो स्टेनली। स्टेनली आई 1935 में। इन्होंने क्या किया कि जो, जैसे TMV वायरस के ऊपर ही सबसे पहले हुई थी इसकी रिसर्च जो हुई थी पूरी, तो इन्होंने TMV वायरस जो था, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस जो था, इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था कि वो क्रिस्टलाइज्ड होता है। क्रिस्टलाइज्ड कैसे होता है?
इस तरीके का होता है, ये जो है हेक्सागोनल क्रिस्टल का बना हुआ है, इस तरीके से इन्होंने ये बोली थी बात। और एक और चीज आई थी वेजरेनिक ने जो बोली थी कि इन्होंने ये भी बोला था कि वायरस जो है बैक्टीरिया से छोटा होता है, किस बेसिस पर, इस बेसिस पर कि ये इसने क्या किया था कि जो बैक्टीरिया पास वाले फिल्टर होते हैं ना, कि जिनसे बैक्टीरिया पास नहीं होते जिन फिल्टर से, उससे वायरस पास हो रहा था, तब इनका साइज डिसाइड हुआ था कि ये बैक्टीरिया से छोटे हैं। अब ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये असेल्युलर होते हैं और इनके पास क्या होता है, लेकिन ये असेल्युलर तो होते हैं, लेकिन ये जब होस्ट की बॉडी में जाएंगे, लिविंग के अंदर जाएंगे, जैसे अब मान लो ह्यूमन के अंदर ये गए, तो ये क्या करते हैं कि उसका, ये खुद से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते, खुद से कुछ रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल है तो इनको रेप्लिकेट भी करना होगा, लेकिन ये जब तक रेप्लिकेट नहीं कर सकते, जब तक कि इनको कोई होस्ट नहीं मिल जाता, मतलब कोई लिविंग होस्ट नहीं मिल जाता इनको, तो ये क्या करते हैं, उस होस्ट की जो मशीनरी होती है प्रोटीन सिंथेसिस वाली, उसको यूज करते हैं और उसके थ्रू अपना सारा काम करते हैं, रेप्लिकेशन करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ये सारी चीजें। सेल्यूलर होते हैं लेकिन इनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है। अब न्यूक्लिक एसिड में वही चीज आ गई, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज, डीएनए और आरएनए। क्या आ गया न्यूक्लिक एसिड में, या तो इनके पास डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, और जो डीएनए और आरएनए होता है वो सराउंडेड होता है एक प्रोटीन कोट से। ठीक है, कैसे होता है, जैसे कि ये हो गया है इनका जेनेटिक मटेरियल जो रेड ये दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये क्या हो जाता है, इसका प्रोटीन कोट हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। क्या बोलते हैं इस पूरे कोट को, कैप्सिड। तो अब क्या हो गया, इसके पास वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड भी हो गया और प्रोटीन भी हो गया। तो वायरस को हम किस नेचर का बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलेंगे वायरस को, न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए या डीएनए में से कोई एक होगा, एक ही होगा कोई भी, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, प्रोटीन की कोटिंग है, जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड। अब ये जो कैप्सिड होती है ना, ये जो बहुत सारे यूनिट्स, ये छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनी हुई है पूरी, तो ये जो छोटी छोटी यूनिट होती है ना कैप्सिड की, इनको बोलते हैं हम कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। और एक वायरस में ये कितनी होती है, 2130, 2130। ये चीज क्लियर हो गई कि अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये जो रेड वाला पार्ट है, इसको किसने घेर रखा है चारों साइड से, प्रोटीन ने घेर रखा है, ये प्रोटीन का कोट है, और इसको क्या बोलते हैं, कोट, प्रोटीन कोट को कैप्सिड। और ये जो छोटी छोटी यूनिट है कैप्सिड की, इनको बोलते हैं कैप्सोमियर। और ये कितनी होती है, एक उसमें 2130 ये होता है इसका, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैंने बताया कि वायरस अपने आप कुछ नहीं कर सकते, अगर इनको होस्ट नहीं मिला है तो ये होस्ट बॉडी के बाहर कुछ नहीं कर सकते, ये नॉन लिविंग माने जाएंगे, लेकिन जैसे ही इनको अगर कोई होस्ट मिल जाता है लिविंग, तो उसकी मशीनरी को यूज करके ये क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये किस फॉर्म में रहते हैं, ये किस फॉर्म में रहते हैं, ये रहते हैं नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि क्रिस्टलाइन ये वाली जो फॉर्म होती है ना, वो होस्ट बॉडी के बाहर रहती है। क्या करते हैं फिर, ये प्रोटीन कोट को बाहर छोड़ देते हैं और अंदर क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट बॉडी में। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब इनके लिए ये चीज मैंडेटरी है कि इनको पैरासाइट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर पैरासाइट मतलब कोई होस्ट चाहिए ही चाहिए, क्यों, क्योंकि बॉडी के बाहर ये कैसा काम करेंगे, ये नॉन लिविंग की तरह काम करेंगे, तो इसीलिए इनके लिए मैंडेटरी है कि इनको कोई ना कोई होस्ट मिलना ही चाहिए। और ये बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, एड्स, पोलियो, मम्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये सब तो एनिमल्स में हो जाती हैं, और बहुत सारी मोज़ेक डिजीज होती हैं उनको ये प्लांट में कॉज करते हैं, जैसे कि टोबैको में, क्यूकम्बर में, टोमेटो में, लीफ कर्लिंग हो गई, येलोइंग ऑफ वेन्स हो गई, ये सब वायरस के थ्रू ही होती है। वायरस जो है प्लांट को जो इन्फेक्ट करते हैं, वायरस उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, लेकिन एनिमल्स में जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, जो बैक्टीरिया को जो वायरस कॉज करते हैं, उसको बोलते हैं हम बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसको बोलेंगे, उस वायरस को जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा वो, और वो कैसे होते हैं,
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले होते हैं। बैक्टीरियोफेज किस टाइप के होते हैं, कभी भी ये चीज आई कि प्लांट में अगर कोई है तो वो कैसा है, कुछ एक्सेप्शन देखे जाते हैं अगर डिटेल में अगर आप पढ़ते हो तो, लेकिन नॉर्मली जो केस देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि प्लांट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा और बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। अगर वही हम एनिमल की बात करें तो वहां सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, तो ये केस देखा जाता है। ये हो गया वायरस के बारे में, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ये हो गया डायग्राम, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये क्रिस्टलाइन इस फॉर्म में होते हैं, ये इसका हेड हो जाता है, ये कॉलर है, ये शीथ है और ये टेल फाइबर है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार नेमिंग के लिए आ जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं वायरॉइड्स की। अब वायरस जब मिल गए थे तो अब ऐसा क्या हुआ कि वायरॉइड्स आई। अब टीओ डेनियर इनका नाम है, तो इन्होंने क्या किया था 1971 में कि इन्होंने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये देखा था कि कोई बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस से भी छोटा, जो कि फ्री आरएनए है जिसके पास, मतलब जैसे वायरस में ये जो प्रोटीन की कोट थी ना, ये नहीं था, सिर्फ ये वाला पार्ट था अंदर वाला, इनके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल था इनके पास, ठीक है, अंदर सिर्फ आरएनए था, इनके पास प्रोटीन नहीं होते। वायरॉइड्स क्या होते हैं, जिनके पास प्रोटीन नहीं होता है, ये वायरस से भी छोटे होते हैं, ठीक है। और ये जो डिसीज कॉज करते हैं वो करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो में डिसीज कॉज करते हैं जिसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, वायरॉइड्स की ये एक डिसीज है। अब वही चीज, इसके पास न्यूक्लिक एसिड तो होता है, मतलब आरएनए या डीएनए तो मिलेगा, मतलब नॉर्मली आरएनए ही होगा, लेकिन प्रोटीन कोट नहीं होता है इनके पास। तो ये हो गया हमारा वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स के बाद हम बात करते हैं प्रायोन्स की। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टी मतलब इसके पास प्रोटीन तो जरूर होगा, अगर हम याद करने के लिए मतलब ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि अगर प्रायोन्स है, पी से स्टार्ट है, तो प्रोटीन जरूर होगा। तो इसके पास क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, जिस तरीके से फोल्ड होना चाहिए प्रोटीन, मतलब ये चीजें जो हम पढ़ते हैं वो आगे पढ़ेंगे, प्रोटीन की फोल्डिंग वगैरह एबनॉर्मली तरीके से होती है। और ये वायरस से भी छोटा होता है, कैसा होता है, ये वायरस से भी छोटा होता है। और ये क्या करता है कि जो नॉर्मल शेप होती है ना प्रोटीन की, उसको चेंज कर देता है मिसफोल्डेड प्रोटीन्स में। क्या करता है ये, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की शेप बना लेता है और ये बहुत सारे डिसीज कॉज करता है। नॉर्मली क्या होता है कि ये वायरस से छोटे होते हैं तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वायरॉइड्स और प्रायोन्स का, वो वायरस से कम होता है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। ये बहुत सारे डिसीज कॉज करते, बहुत सारी तो नहीं, मतलब एक स्पेसिफिक दे रखी है एनसीईआरटी में, यहाँ पे न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज, जैसे कि जो ब्रेन को अफेक्ट करें ऐसी डिसीज। तो एक डिसीज है कैटल्स में, वोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बीएसई, वोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी बीएसई इन कैटल्स। कैटल्स में कौन से डिसीज कॉज करते हैं, ये वोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म। और सीआर जेकोव करके एक डिसीज है जो कि ये ह्यूमंस में कॉज करते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, प्रोटीन होता है इनके पास, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, और वो प्रोटीन भी ना मिसफोल्डेड टाइप का होता है। ये सही जो प्रोटीन फॉर्म होती है ना, उसको मिसफोल्डेड कर देते हैं और उसकी वजह से ना डिसीज कॉज होती है, जो कि हो जाती है कैटल्स में वोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, और जेकॉब डिसीज जो हो जाती है वो ह्यूमंस में हो जाती है। तो ये हो गया हमारा वायरस के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में और प्रायोन्स के बारे में, ये चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद जो हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि लाइकेंस जो होते हैं वो सिम्बायोटिक म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन होती है एल्गी और फंजाई की। एल्गी वाला जो पार्ट होता है उसको हम फाइकोबायोइंट बोलते हैं, और फंजाई वाला जो पार्ट होता है उसको हम माइकोबायोइंट बोलते हैं। ये सब टर्म है, माइकोमीस फंगस होता है और फाइकोमीस एल्गी होता है। तो इस तरीके से ये क्या, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और ये ऐसा एसोसिएशन है कि दोनों को एक दूसरे से फायदा है। अभी क्या होता है कि जैसे कभी जब एसोसिएशन देखे जाते हैं, इंटरेक्शन देखे जाते हैं, तो ऐसा होता है एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, या एक को फायदा हो रहा है, एक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन ये दोनों जब साथ रहते हैं ना, एल्गी और फंजाई, इन दोनों को ही होता है फायदा एक दूसरे से। कैसे, अब जैसे मैंने पढ़ाया है ये ऑलरेडी कि एल्गी जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है। तो ये क्या करेगा, खाना अपना खुद बना लेता है तो ये फंगस को दे देगा, और फंगस जो होता है वो कैसा होता है, वो हेटरोट्रॉफिक होता है, लेकिन वो अपनी रहने के लिए जगह जो होती है ना वो फिक्स कर लेता है पहले ही, और जैसे सॉयल से जो न्यूट्रिशन वगैरह लेना होता है उसको ले लेता है। तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, एल्गी तो फूड प्रोवाइड कराएगी फंगस को, और फंगस जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कराता है एल्गी को। इस तरीके से ये एक दूसरे के
चलते हैं और एक एसोसिएशन बना देते हैं, और इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं, मतलब इस तरीके की एसोसिएशन जो देखी जाती है उसे हम बोलेंगे लाइकेंस। ठीक है, तो ये होती है सिम्बायोटिक म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन एल्गी और फंजाई की। और लाइकेंस जो होते हैं, अगर जैसे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो क्या होता है कि जो लाइकेंस होते हैं वो पॉल्यूटेटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, तो ये एक गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। मतलब मान लो कि आपने कहीं लाइकेन देखा, अब क्या हो रहा है थोड़े टाइम बाद वो ग्रो करना बंद कर दे रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एरिया जो है वो पॉल्यूशन से भरा हुआ है, मतलब एक पॉल्यूटेटेड एरिया है एक तरीके से। और मेनली जो पॉल्यूशन ये चेक करते हैं ना, वो SO2 का जो होता है उसका पॉल्यूशन चेक करते हैं, तो ये हो जाता है लाइकेंस के बारे में। तो इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर हमारा हो जाता है पूरा फिनिश्ड, और हमने इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली इस चैप्टर के बारे में। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल किंगडम में अलग से पढ़ा चुकी हूँ, और वायरस वाला पार्ट बचा था वो मैंने पढ़ा दिया इसमें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर दी नेक्स्ट चैप्टर।